सो गाइस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलैंड अनुज। और सबको सलाम नमस्ते जोहर। सो क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। और संजय भाई के साथ हम लोग करते हैं इस राइड की शुरुआत। सो अभी हम लोग जो है वो है हम लोग जगत लामथांग करके जगत लामथांग करके एक जगह है। ये हम लोग का जो राइड है ये मनांग राइड है, स्टार्ट किए हैं हम लोग, कल से स्टार्ट किए। अगर पहला एपिसोड वाला आप लोग नहीं देखे तो जाके देखो। सो आज हम लोग का यहाँ से आगे और भी रास्ता डिफिकल्ट होने वाला, क्योंकि कल रात में बारिश हुई, लेकिन हाइट में हम लोग गए, मतलब हाइट में अगर जाएंगे तो उधर पूरा स्नोफॉल हुआ है, वही बारिश ही अगर हाइट में है तो ठंड रहता तो स्नोफॉल बन जाता है। यहाँ से बर्फ भी दिख रहा है, आप लोग को दिखाएंगे। थोड़ा सा तो दिल में लग रहा है कि आगे क्या होगा कैसे होगा, पर कोई बात नहीं, जो भी होगा हम लोग करेंगे और आगे जाएंगे और आप लोग को नज़ारा दिखाएंगे। अभी हम लोग जो हाइट पे हैं ये है 4330 फीट के आसपास है। यहाँ भी ठंडा था, उतना ठंडा भी नहीं था, लेकिन आगे और हम लोग को ठंडा मिलने वाला है। सो चलो यहाँ से निकलते हैं। बाकी ये सैडल बैग सब इधर देख सकते हो, सैडल बैग सब फट से हम लोग बांधते हैं और फिर बाइक पर रखते हैं और फिर निकलते हैं। कल रात में जो बारिश हुई है आप लोग को सुबह देखो, सुबह जब हम लोग उठे तो देखो ऊपर में क्या दिख रहा है, स्नो दिख रहा है, देख रहे हो। सो ऊपर हम लोग अभी चढ़ेंगे तो स्नो मिल सकता है हम लोग को, क्योंकि एकदम फ्रेश स्नो हुआ है। थोड़ा सा ही दूर में हम लोग को स्नो मिल जाएगा, मनांग में भी पूरा स्नो हुआ है, इधर भी देख सकते हो और इधर भी देख सकते हो। हम लोग यहाँ पर रुके थे इस होटल में। सो ये है अभी तक का अपडेट। होटल में हम लोग रुके, होटल न्यू माउंटेन रिवर व्यू, जगह का नाम है जगत लामथुंग। कभी भी आते हो जगत आते हो तो चाचा से मिलना, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम गुरु है। हाँ, तो ये इनके पापा लोग अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड में रहते थे। वो पीने वाला राम ने, राम, हाँ राम 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 वो सोचेगा वो राम। तो ये पूरा एंटरटेनमेंट है, हम लोग एंटरटेनमेंट किए हैं पूरा एकदम अच्छे से। यहाँ पर हम लोग था, ये वाला रूम था हम लोग का। सो जगत लामथुंग से निकल रहे अब हम लोग। ठीक है दादा, मिलते हैं फिर, अगली बार मिलूंगा। हाँ आप आइएगा, आपको दादा के लिए बोल रहे हैं कि चलिए बैठ के पीछे। ऐसा करो जब उधर इसमें आ जाए मैं बोलो हम जाएगा। अच्छा ठीक, अपना नंबर दे दीजिए, हम लोग फंसेंगे तो आपको कॉल करें। मेरा ना 98 1। सो ये सुरेश भाई, ये ओनर है इस होटल का। तो भैया से भी कभी आते तो यहाँ पर रुकना, इनके पास भी NS 200 था, सेल कर दिए, ये भी एक राइडर थे। ठीक है भैया, फिर मिलते हैं, एक फ़ोटो ले लेते हैं। और हेलो चेक। ठीक है, मिलते हैं फिर, थैंक यू। हाँ थैंक यू। कहाँ चल गए? ठीक है, बाय बाय। सो चलो गाइस आज की राइड की शुरुआत करते हैं। सवा 8 बजे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, जगत लामथुंग करके एक जगह है। यहाँ से स्नो तो देखो मिलेगा, पूरा स्नो मिलने वाला है। ये यहाँ का थोड़ा मार्केट है, यहाँ पर आप लोगों को रुकने के लिए बहुत चीज़ मिल जाएगा। कुछ फॉरेनर लोग, ये लोग भी हम लोग के सामने वाले होटल में रुके थे, ये लोग ट्रैकिंग करते हैं, मतलब ट्रैकिंग करने के लिए ही आते हैं। एक देखो वाटरफॉल दिख रहा है राइट साइड में। अरे भाई आज बाइक भारी क्यों चल रहा है। सो देखिए एक वाटरफॉल दिखता हुआ यहाँ से, वहाँ पे है, ऐसे वाटरफॉल आप लोग को बहुत देखने को मिल जाएगा। सो मैं अपना लैपटॉप बैग भूल गया, मैं वापस जा रहा हूँ, रखा था मैं, ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, 1 किलोमीटर के लगभग आए होंगे। चलो यार क्या, मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था मुझे पता नहीं, मुझे क्यों आगे का चक्का मतलब हैंडल भारी लग रहा था, तो शायद हवा कम है, हवा तो मैंने डाला ही सुबह। सुबह मैंने हवा डाला था तो थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया था, मतलब यहाँ इसका जो बल्ब है ये वाला, यहाँ से ही हवा निकल रहा था, तो अभी फिर से मैंने उंगली से मतलब ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा किया तो हवा नहीं निकल रहा है। ऐसे तो मेरा रिम थोड़ा टेढ़ा है तो वहाँ से भी हवा निकलता है, इधर से भी, पर चलो उतना ज़्यादा तो अभी तो नहीं निकल रहा है, हवा कम था इसलिए भारी लग रहा था मुझे हैंडल।
कभी भी मैं राइड स्टार्ट करता हूँ एक बार गोप्रो का माइक जरूर टेस्ट करता हूँ हेलो बोलकर। इस वीडियो में मैंने वैसे ही स्टार्ट किया था हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक, पर यहाँ से गोप्रो का 20 फुटेज में ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं होता है, जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मेरे पास MI का एयर कंप्रेसर है जो मैं हमेशा अपने साथ में रखता हूँ। जब मैंने फ्रंट टायर का प्रेशर चेक किया तो 8 PSI हवा था, फिर मैंने रिकमेंडेड हवा डाल दिया। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये एयर कंप्रेसर। राइड में आप हवा डालने के लिए कुछ भी रख सकते हो जिससे आपका राइड खराब ना हो। इस रास्ते में जब आप जाओगे मनांग तो रास्ते में बहुत सारा आपको वाटरफॉल दिख जाएगा, पर जो मेन वाटरफॉल है तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अभी जो हम लोग वाटरफॉल के जगह आ गए हैं वो छामछे वाटरफॉल है और आप लोग को नज़ारा दिखाते हैं। देखो ये है मेरी बाइक यहाँ खड़ी है, देख लो क्या व्यू लग रहा है, एक नंबर। कल रात में बारिश भी हुई है जिस वजह से थोड़ा वाटरफॉल का प्रेशर मतलब वाटर ज़्यादा दिख रहा है। और ये देखो ये वाटरफॉल का पानी मर्सियांगडी रिवर में मिल जा रहा है। अब पानी का कलर भी आज थोड़ा चेंज हो गया, कल आप लोगों को दिखा होगा पूरा ब्लू था, पर आज देखो क्योंकि थोड़ा सा पानी गंदा हो चुका है और वाटरफॉल एक नंबर लग रहा है। SJ ब्लॉग भी आए थे तो मुझे लगता है कि यहीं पर वो अक्टूबर में आए थे तो यहीं पर चाय बनाए थे, मुझे याद है। वैसे मैंने आप लोगों को बताया ये छामछे वाटरफॉल है क्योंकि गूगल मैप में मुझे भी छामछे वाटरफॉल बता रहा था, लेकिन यहाँ के लोकल से पता चला इसको बोंग वाटरफॉल से ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ से निकलने के बाद आप लोगों को लगेगा कि ये चढ़ाई बहुत कम है और आगे भी बहुत से जगह में आप लोगों को लगेगा कि ये चढ़ाई बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं 60 डिग्री एंगल, 40 डिग्री, कहीं 50 डिग्री, 30 डिग्री चढ़ाई देखने को मिलेगा। पर कोई भी कैमरा ये चढ़ाई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, स्पेशली GoPro, क्योंकि हम लोग वाइड एंगल में शूट करते हैं और ये चढ़ाई GoPro में और भी पता नहीं चलता। ये रास्ते जितने आसान दिखते हैं एक्चुअली उतना है नहीं। मैं बहुत से राइड पर गया हूँ और मैं भी बोल सकता हूँ नेपाल का ये मनांग राइड वन ऑफ द टफेस्ट राइड है, स्पेशली ये बारिश में। अब बात करते हैं कैसे मेरे GoPro में ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हमेशा से मेरे राइड में ये प्रॉब्लम होते आया है, पर इस बार GoPro से प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मेरा फ्रंट टायर का हवा निकल गया था तो मैंने बिना हेलमेट उतारे ही एयर कंप्रेसर से टायर पर हवा डाला था। उसी क्रम में मेरा माइक GoPro के माइक अडेप्टर से हल्का से निकल जाता है जो मुझे उस टाइम पता ही नहीं चलता। और चलते चलते ऐसे ही हम एक और गांव पहुंचते हैं। जब भी आप मनांग राइड करोगे रास्ता में आपको बहुत छोटे छोटे गांव मिल जाएंगे, आपको रुकने का टेंशन कहीं नहीं लेना है। जैसे कि हम लोग जगत में रुके, इसके बाद ये गांव जो सामने आप लोग को ये दिख रहा है ये गांव आता है, फिर आगे भी बहुत सारे गाँव छोटे छोटे मिलेंगे जहाँ पर आप कभी भी आप राइड करते हो कहीं अगर आपका रात हो जाता है तो ये सब गाँव में आप स्टे कर सकते हो बेफिक्र होके। और आगे चल के हमें आज का सेकेंड वाटरफॉल मिलता है, ये है ऑक्टोपस वाटरफॉल। और इसको अगर आप सामने से देखोगे आपको ऑक्टोपस जैसा नज़र आएगा, इसलिए इसका नाम ऑक्टोपस दिया गया है। ये वाटरफॉल का खासियत ये है कि आपका रोड के बगल से ही ये वाटरफॉल गिरता है और जब इसके सामने से आप पार हो गए गुजरोगे तो पानी का फुहारा आपके चेहरे पर आपके बॉडी पर आएगा जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी जो हम लोग वाटरफॉल में रुके जो क्रॉसिंग किए ये है ऑक्टोपस वाटरफॉल, और शायद इससे पिछले वाला रुके थे वो था बोंग वाटरफॉल। देख लो कितना ऊपर से गिर रहा है, पहले ये रोड नहीं बना था तो एकदम वाटर क्रॉसिंग करके जाना पड़ता था, और अभी तो रोड बन चुका है। लेकिन जब आप मानसून में आओगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको पानी दिखेगा, शायद आप भींगते हुए जाओगे तो मज़ा आएगा, अलग ही मज़ा आएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे यहाँ के नज़ारे
यह सुंदर वादियाँ और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ सच में दिल को बहुत सुकून दिला रहे थे। देख के मन भर जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ डर भी लग रहा था, क्योंकि राइट साइड में बहुत बड़ा खाई था। रेलिंग भी आप देख सकते हो दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर रेलिंग भी नहीं दिया हुआ था और एकदम सीधा खाई था। और यहाँ से गुजरते समय ऊपर हमें एक रास्ता दिखता है, देख सकते हो, जो कि बहुत हाइट पर लग रहा था। हमें अभी वहाँ पर चढ़ना था। सोच लो अभी हम यहाँ पे हैं, वो कहाँ पे है, और GoPro में ऐसे भी पता नहीं चलता है। पर आगे जाके हमें रोड जाम मिलता है, क्योंकि रोड का कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, जिसके वजह से हम आधा घंटा यहाँ पर वेट करते हैं। जैसे रोड ओपन हुआ, मेरे मन में यही था कि जो सामने से गाड़ियाँ आ रही थी उसको पहले पार हो जाने देते हैं, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, अगर बड़ी गाड़ी पार हो जाती है फोर व्हीलर, तो मिट्टी वहाँ का बैठ जाता है, तो आसान से हम लोग बाइक पार कर सकते हैं। मैं यहाँ ये बताने का कोशिश कर रहा था कि कहीं कहीं मुझे ऐसे रास्ता में बहुत जगह देखे हैं ये लाल कलर का बोर्ड जो चाइनीज़ में लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि चाइनीज़ भी इस रोड में कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, या कुछ कुछ प्रोजेक्ट वो लोग का यहाँ पर चल रहा है, जिसके वजह से ये बोर्ड सब चाइनीज़ का लगा हुआ है। जब हम मनांग राइड के लिए बेसी शहर से अपनी जर्नी को शुरू किए थे, तो बेसी शहर में हमने परमिट बनाया था, क्योंकि ये अन्नपूर्णा सर्किट एरिया में पड़ता है। कल जब हम बेसी शहर से निकले थे, कल से अभी तक कहीं भी हमारा परमिट चेक नहीं हुआ। जो आपका सबसे पहले परमिट चेक होगा वो है ताल, जो हमने परमिट बनाया था वो चेक होता है। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप आते हो तो आप परमिट बना के आओ मनांग राइड के लिए। आगे जाके हमें एक गाँव मिलता है ताल। ये गांव बहुत खूबसूरत लगा, क्योंकि ये गांव दोनों पहाड़ों के बीच में है और बगल से नदी बहता है। कल जब हम बेसी शहर से अपना राइड शुरू किए थे मनांग के लिए, तो हम सबसे पहले यही सोचे थे कि हम ताल में रुकेंगे, पर रात हो जाने के वजह से, और ऐसे रास्ता में रात में राइड करना भी नहीं चाहिए, तो रात हो गया था, जिस वजह से हम जगत में रुके, नहीं तो हम इस ताल में रुकते। और यहाँ पर एक दो वाटरफॉल भी है ताल गांव में, जो कि आपको रोड से ही चलते चलते दिख जाएगा, शायद GoPro में पता नहीं चले, पर अच्छा वाटरफॉल है, और वाटरफॉल का भी नाम ताल वाटरफॉल है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो ताल में भी रुक सकते हो। ताल के लिए इस रोड को छोड़ के थोड़ा सा दूसरे तरफ जाना पड़ता है, वो जो नीचे में दिख रहा है वो है ताल गांव। मेरे राइट साइड में मर्सियांडी रिवर है, जो मनांग से बहता हुआ आता है। जब से हम लोग राइड शुरू किए, तब से इतने नज़दीक से, इतने करीब से इस नदी को कभी नहीं देखा। वैसे कभी भी आप इस रास्ते में चलोगे तो आपको बहुत से फॉरेनर लोग ट्रैकिंग करते हुए दिख जाएंगे। वैसे फॉरेनर तो हम भी हुए, क्योंकि हम हैं इंडिया से, लेकिन हमारे अलावे और जो जा रहे थे ट्रैकिंग में, क्योंकि मनांग का ट्रैकिंग बहुत फेमस है, बहुत से लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं और बहुत से जगहों में जाते हैं। सो ये जो आप लोग देख रहे हो, ये भाई येलो का सामान ढो रहा है जो ट्रैकिंग कर रहे हैं। और कभी भी आप ट्रैकिंग भी करते हो तो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए एक गाइड होना चाहिए, जिसको फुल एक्सपीरियंस हो या सर्टिफिकेट कहीं से मिला हुआ हो, तभी आप एक गाइड के थ्रू ही आप यहाँ ट्रैकिंग कर सकते हो। आज जहाँ से हम अपनी राइड शुरू किए थे जगत से मनांग का डिस्टेंस है 65 किलोमीटर के अराउंड है, और खंगसार जो लास्ट विलेज है मनांग से 6-7 किलोमीटर और है। वैसे पूरा जर्नी आपको कवर करने में, जगत से अगर आप जाते हो मनांग,
वो 6 से 7 घंटा लग जाएगा। तो मान के चलो हम लोग 1 घंटा में 10 से 12 किलोमीटर ही कवर कर पा रहे थे। रास्ता की स्थिति इतना ख़राब था, और अभी आगे देख भी सकते हो, आगे आने वाले वीडियो में और भी रास्ता का स्थिति और भी ख़राब है, और यहाँ भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत ख़राब है, चढ़ाई भी है। हाँ, लेकिन आप कंटिन्यू चलोगे तो आप 3 घंटा में भी कवर कर सकते हो। लेकिन हम लोग के साथ ये भी होता है कि मोटो ब्लॉगिंग भी करना है, और रास्ते में कुछ दिख गया, वाटरफॉल दिख गया तो फ़ोटो खिंचाना है, रील्स बनाना है। और हम लोग के साथ रास्ता में और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, जो कि आप लोग को आगे पता चलेगा। सो गाइस, नेपाली टाइम 10 बज चुका है और हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। एक दिख गया हम लोग को, यहाँ पर होटल दिख गया। तो यहाँ पर सिर्फ चाव चाव है, चाव चाव मिलता है, तो चाव चाव हम लोग खा रहे हैं विद अंडा के साथ, 150 रुपया एक चाव चाव का। अपनी बाइक इधर है, अभी तो हवा वैसा लग रहा नहीं है कि कम हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग चाव चाव खाने के लिए रुके हुए हैं। देख लीजिए, संजय भाई बैठे हुए हैं इधर। सो आ चुका है भाई अपना चाव चाव, देखो चाव 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 खाते हैं और निकलते हैं चाव चाव करते हुए। सो देखो, हम लोग नेचुरल वाटर भरते हुए बोतल में, यहाँ पर पानी मिनरल वाटर इतना महंगा कि पूछो मत, 100 रुपया ये बोतल का। कल जैसे कि और महंगा हो जाएगा। तो जितने लोग भी अभी ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे थे, हमने देखा वो लोग भी इसी से भर रहे हैं। फिर दीदी भी बोली कि नहीं, अच्छा पानी है, पी सकते हैं। तो हम लोग बोले नहीं, चलो पानी में खर्चा नहीं करेंगे, पैसा बचाएंगे। तो हम लोग का हो गया नाश्ता, यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया है, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या होता है कि मेरा लैपटॉप बैग वहीं छूट जाता है, और मुझे अभी तक भी पता नहीं कि मेरा लैपटॉप बैग छूट चुका है। लगभग हम 2 किलोमीटर चल जाएंगे तब मुझे पता चलेगा कि मेरा लैपटॉप बैग छूट चुका है। और आगे जो ये चढ़ाई आप लोग को दिख रहा है, देख सकते हो, काफ़ी भयानक वाला ये चढ़ाई था। 60 डिग्री एंगल पर यह चढ़ाई था। और संजय भाई आगे रुकते हैं और मुझे बोलते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रहा है, उसको पहले पार हो जाने देते हैं, फिर हम लोग चढ़ाते हैं। दिल में एक बार के लिए तो धुक धुक तो होता है कि चढ़ जाएगा ना, आई थिंक। उसके बाद फिर आप लोग वीडियो देखो, हम लोग फिर चढ़ाते हैं। और चढ़ते चढ़ते फिर एक टर्निंग आ जाता है ना, वो ज़्यादा दिक्कत होता है। हम लोग चढ़ रहे हैं और फिर देखो यहाँ से लेफ्ट टर्न है, और फिर चढ़ाई है, और फिर जस्ट राइट टर्न है, और ऊपर से एक कार भी आ जाता है। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होता है। लेकिन किसी तरह हम लोग चढ़ा लेते हैं और फिर रास्ता का एंजॉय करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर जहाँ से हम लोग नाश्ता किए थे, 2 या 2.5 किलोमीटर, तब मुझे याद आता है मेरा लैपटॉप बैग मेरे पास नहीं है। और फिर मैं यहाँ से बाइक घुमाता हूँ। हमने जेरिकैन में तेल भी नहीं लिया था, और मैं एक बार और आगे पीछे हो चुका था जब मैं हम लोग जगत से निकले थे, उस टाइम भी मैं भूल गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं पहुँचता हूँ वहाँ, बैग लेता हूँ, और दीदी ने अच्छे से बैग रख दिया था वहाँ पर। सो यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, ऐसे दीदी बोल भी रही थी, अगर आप लौटते समय भी आते तो कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद फिर मुझे ये दोबारा चढ़ाई फिर से मिलता है। एक बात तो मुझे यहाँ समझ में आ गया, जो लोग यहाँ लोकल है, जो डेली एक ही रास्ते में चलते हैं, वो उनके लिए ये सब चढ़ाई कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं सेकेंड बार में बाइक चढ़ाया, वो ज़्यादा ईजिली चढ़ा और आराम से चढ़ गया। मैं भी बहुत रास्तों में ऑफ रोड किया हूँ, लेकिन क्या होता है कि वो हर एक रास्ता मेरे लिए नया नया होता है, सेम रास्ता नहीं होता। अगर सेम रास्ता होता तो थोड़ा सा आसान होता, क्योंकि मुझे पता होता कि ये बाइक यहाँ से जाएगा, यहाँ से चढ़ेगा, ये होगा वो होगा। सो इसीलिए यहाँ के लोकल लोग के लिए जो 10 बार आना जाना करते हैं एक सप्ताह में, उनके लिए आसान होता है। और वैसे भी लगेज लेके बाइक चढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है।
और एक चीज मुझे काफी हंसी आ रही थी कि बार बार हम लोग लेट हो जा रहे थे और जो हमारे साथ ट्रैकिंग कर रहे थे वो लोग भी हमारे साथ साथ ही चल रहे थे। कभी हम वाटरफॉल में रुकते हैं, कभी हम नाश्ता करने रुकते हैं, कभी मेरा टायर का हवा निकल जाता है, कभी मैं बैग भूल जा रहा हूँ, तो जिसके वजह से जो हमारे साथ ट्रैकिंग भी कर रहे थे वो लोग बार बार हम लोग से आगे निकल जा रहे थे। तो फिर से जर्नी शुरू कर रहे हैं, हम लोग के साथ ये कॉमेडी हो जा रहा था जो ट्रैकिंग कर रहा है ना वो भी हम लोग को पहुंचा दे रहा है, क्योंकि इतना बार हम लोग आगे पीछे हो जा रहे हैं कि क्या करें। बैग भूल गए, फिर लेने गए हम, कम से कम हमको 15-20 मिनट लग गया होगा आने जाने में मिला के वो लोग भी बोल रहा होगा ये लोग बेकार है बाइक से आया, इससे बढ़िया पैदल ही चलता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो देख सकते हो क्या दिखता हुआ भाई, स्नो दिख रहा है पहाड़ों में, ऊपर में देखिए एक बार और यहाँ चेक पोस्ट पड़ा था, यहाँ पर वही जो हमने, बाप रे यार ज्यादा पानी है भाई सो वो हमने जो परमिट बनाया था उसमें एक नीचे काट के वो लोग रख लिए और एक टुकड़ा हमें दे दिया, बोले कि आगे चेक नहीं होगा, निकलते टाइम यहीं से हमें एग्जिट करके निकलना पड़ेगा। ये बगर छाप है, बगर छाप मनांग, ये जगह का नाम बगर छाप। रास्ता तो देखो ऐसे ही है, पर जहाँ थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है वहीं पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर पहले से मेरा वीडियो देखते हो तो पता है कि ऐसे एडवेंचर में करते रहता हूँ। सो इसी तरह अगर आप लोग को एडवेंचर वीडियो चाहिए तो देख सकते हो मेरा चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बहुत सा जगह गया हूँ। और मेरा किस्मत इतना अच्छा है, मैं संजय भाई को बोल रहा था जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर स्नो हो ही जाता है। देखो अभी स्नो हो गया कल रात में, इससे पहले नहीं हुआ था। वो सर भी बोल रहे थे पुलिस वाले कि अच्छे टाइम पर आएगी स्नो, हुआ कल स्नो भी देखने को मिल जाएगा। और मैं लास्ट ईयर लद्दाख गया था, सोनमर्ग में भी जितने लोग को पता है सोनमर्ग में हम लोग फंस गए थे, जा नहीं सके गए, सुबह उठ के देखे देखे स्नो हो गया। फिर जब मैं 2021 में NSA गया था, खरदुंगला गया था, उस समय भी स्नो हो गया था, याद करो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो। और फिर ये वाला चढ़ाई चढ़ते समय थोड़ा सा टफ होगा। और फिर जब मैं गया था कहाँ, बुमला पास गया था, वो सब वीडियो सब याद करो। तो एक बार पीछे पलट के देख लेते कितना चढ़ना है, नहीं हो जाएगा, ठीक है ठीक है, वो सामने वाला चढ़ाई ज़्यादा लग रहा है, देख रहे हो रास्ता, यो 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 यो। हाँ तो अरुणाचल प्रदेश बुमला पास भी गया, गए ठीक, अचानक स्नोफॉल हो गया, तो किस्मत है मेरा भाई स्नोफॉल यहाँ भी जाता हूँ। आज कल भी आज रुके हैं यहाँ, जगत में रुके थे और फिर स्नोफॉल हो गया। चलो भाई यहाँ पे थोड़ा सा बाइक को चढ़ा देना है, संजय भाई आ रहे हैं ना, हाँ आ गए। इस जर्नी को मना जर्नी को करते हो, रास्ता में आपको बहुत सा गांव दिख जाएगा और गांव के अंदर में ही देखो होटल्स मिल जाएगा। कभी भी आप जाते हो तो रात में तो ट्रैवल मत ही करो, जहाँ भी आपका लेट हो जाता है चाहे लौटते वक्त चाहे जाते वक्त तो यहीं रुक जाना। जगह का नाम तो दान कायू ऐसे करके है, दान क्यों करके है जगह का नाम, दना क्यों करके जगह का नाम है, दना क्यों पहुँचे हैं।
एक बार देखना होगा कि यहाँ से कितना किलोमीटर है, क्योंकि नेटवर्क तो है नहीं एग्जैक्ट, मैं आप लोगों को बता पाऊँ।